अब तक हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछिए, जैसे भी। और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप का जो भी ये स्टडी मटेरियल है इन सबको स्टूडेंट्स तक शेयर करो, जिससे वो अपनी स्टडी को परस्यू कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं। जैसे काइनामेटिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो यूनिट वाइज हम कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है काइनामेटिक्स पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काइनामेटिक्स होती क्या है, काइनामेटिक्स आया कहाँ से। तो देखिए काइनामेटिक्स कहाँ से आई, उसके उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स कि मैकेनिक्स क्या होती है। मतलब हमारा जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो अब शुरू होने जा रहा है कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ, या फिर विच डील्स विद द पोजिशन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। जैसे सपोज कि आपके पास एक कार है, वो मोशन कर रही है, एक कार रेस्ट में खड़ी है, एक कार को आप पुश कर रहे हो, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है एक मोशन कर रहा है, एक को आप मोशन करवाना चाह रहे हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं, उनकी किस कंडीशन की, मोशन के बारे में, उन पर अप्लाइड फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मतलब उसकी पूरी मैकेनिकल कंडीशन की जो स्टडी अगर हम जिस ब्रांच में करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स है इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मैकेनिक्स को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्टैटिक, स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड थर्ड है डायनामिक्स, एंड थर्ड है डायनामिक्स। अब जो आपकी मैकेनिक्स है इसको थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम, एक स्टैटिक्स, एक काइनेमेटिक्स एंड एक डायनामिक्स। तो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, लेकिन स्टैटिक्स के बारे में और डायनामिक्स के बारे में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। स्टैटिक्स होती है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द रेस्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीनिंग इज दैट कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है तो उसकी मैकेनिकल कंडीशंस, उसके बारे में, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप का अगर हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो हम किस ब्रांच के साथ डील करेंगे, स्टैटिक के साथ। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टडी करने के लिए जो ब्रांच बनाई गई है वो कौन सी है, स्टैटिक्स। क्लियर, दूसरी बात है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए ये दोनों ब्रांचेज हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में होता है तो उसकी स्टडी किसमें करते हैं हम, काइनेमेटिक्स में एंड डायनामिक्स में। क्लियर। अब काइनामेटिक्स में और डायनामिक्स में क्या फर्क है। काइनामेटिक्स में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो इसमें कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, वो कार मोशन कर रही है, उस कार पहले रेस्ट में थी, आपने उसको फोर्स लगाकर मोशन स्टेट में कर दिया। अब आपने जब उस कार को मोशन स्टेट में किया तो या तो इंजन की वजह से वो मोशन स्टेट में गई, या फिर आपने धक्का लगा के उसको मोशन स्टेट में किया,
तो उस चीज़ को हम काइनेमेटिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं। हमें काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना मतलब रहता है कि मोशन कर रही है, बस वो कैसे भी करे वो मोशन कर रही है। क्लियर? तो देखिए अब डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करते हैं। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करते हैं, और काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहां तक समझिए भाई। देखो किसी भी टॉपिक का बेसिक पता होने से पहले कि वो टॉपिक किस ब्रांच को बिलोंग करता है, फिजिक्स की को, वो पता होना चाहिए। तो इसलिए हम अब तक हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट सेपरेट पढ़ना पड़ता है। पूरे एंटायर फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर हमेशा यूज आता है। वो एक बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है भाई। अगर जब तक आपको किसी ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है मेजर करना, डायमेंशन वगैरह ये सब नहीं आएंगे, तो रिलेशन स्टेबलाइज करना नहीं आएगा। तो पहले उसको पढ़ो फिर काइनेमेटिक्स पर आओ। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, तो अब से जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट वाइज पढ़ेंगे। वो चैप्टर पढ़ा था हमने, तो देखो यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपके मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। तो मैकेनिक्स होती क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर? और एंटायर मैकेनिक्स जिसने भर रखी है वो हमारे न्यूटन ब्रदर है। पूरी जो मैकेनिक्स का जो पूरा पार्ट है, जितनी भी मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स को न्यूटन 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 सर देखने को मिल जाएगा आपको हर पेज पे मैकेनिक्स के पे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के विदाउट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, विदाउट कंसेप्ट्स ऑफ फोर्स इनर्शिया, तो इनके बिना तो मैकेनिक्स है ही नहीं। फिर तो न्यूटन ने दिए थे सारे, तो न्यूटन की ही मैकेनिक्स है। क्या है, न्यूटन की ही मैकेनिक्स है। तो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो देखो, तो आपके लिए सिर्फ है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट कंडीशन की और उसकी मोशन स्टेट की बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। रेस्ट कंडीशन की स्टडी के लिए स्टैटिक्स बनी है, मोशन की स्टडी के लिए काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स बनी है। तो मीनिंग इज दैट अगर आप कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो द ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अगर आप कॉज ऑफ मोशन को भी कंसिडर कर रहे हो स्टडी करने में तो ब्रांच इज कॉल्ड डायनामिक्स। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया, आ गया होगा भाई। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, शुरू होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आते हैं हम। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं भाई बच्चों। अब यहां से हम काइनेमेटिक्स को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स को बड़े डिटेल में वन बाई वन टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखो, काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो अब हम धीरे 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 सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, क्लियर, सपोज कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझसे कुछ डिस्टेंस पर एक पर्सन खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पर, तो मेरे रेस्पेक्ट में अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है तो मैं क्या होऊंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर डिटरमाइन करनी है तो जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो देखो, इफ वी वांट टू
इफ वी वांट टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट then frame of reference compulsory, then frame of reference are compulsory. तो मीनिंग इज दैट अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है. तो मीनिंग इज दैट एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर आया समझ में? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. देखो एग्जाम्पल क्या है, इधर देखो. एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है भाई, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ये हियर, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है. इस पर्सन से कुछ डिस्टेंस पर एक कार खड़ी है. कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर. इस पर्सन से कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक कार खड़ी है. इस पर्सन से तो खड़ी है. अब एक दूसरा पर्सन यहाँ पर है. इस दूसरे वाले पर्सन से ये जो कार है ये आर डैश डिस्टेंस पर है. इस दूसरे वाले पर्सन से ये जो कार है कितने डिस्टेंस पर है? आर डैश डिस्टेंस पर. यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इस फर्स्ट पर्सन से कार आर डिस्टेंस पर है, सेकंड पर्सन से कार आर डैश डिस्टेंस पर है. तो इसका मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में पोजीशन अलग अलग है. अगर कोई आदमी कार के पास में खड़ा है तो उसके लिए कार पास में होगी, और कोई दूर खड़ा है तो दूर होगी. तो डिफरेंट एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पोजीशन अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम डिफाइन करेंगे तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होगी. तो मीनिंग इज दैट एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर? तो यहाँ पर ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आर डैश है, इसके रेस्पेक्ट में आर. क्लियर यहाँ तक? तो अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स, किसकी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए. इसकी जानकारी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए. भाई अब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th क्लास में आपने खूब ग्राफ बनाए होंगे कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, उससे आर डिस्टेंस पर दूसरा पर्सन खड़ा है, तो उसके कोऑर्डिनेट 2.4. 2D में पढ़ते थे आप उसमें, तो अब यहाँ पर 3D में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब 2.4 उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो डिस्टेंस बताओ कितनी है. तो डिस्टेंस इज पोजिशन, 2.4 इज कोऑर्डिनेट. अब देखो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं. तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता करनी हो तो जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन पता कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है? और जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं उसी पर तीन एक्सिस का कंसिडरेशन ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ से इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए हमें
कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो ऑलवेज ओरिजिन पर खड़ा होता है। किस पर खड़ा होता है? ओरिजिन पर खड़ा होता है। और जो ओरिजिन होता है उस पर तीन एक्सिस परपेंडिकुलर ही, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पर्सन खड़ा है, तो मुझे उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए खुद को क्या मानना पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उस पर कितने परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं हम? 3, क्योंकि इस होल यूनिवर्स में सब कुछ 3D है, इसलिए 3 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब 3 एक्सिस ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स इसको कंसिडर करते हैं तो वाई इसको करेंगे, जेड इसको करेंगे, ये हम इससे बना नहीं सकते, इसलिए ये ऐसे है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हमें उसको ओरिजिन पर बिठाकर या फिर उसको ओरिजिन मानकर या फिर जो ऑब्जर्वर होता है उसको ओरिजिन बनाकर, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन, एक ही बात, तो उसको ओरिजिन बनाकर हमें 3 एक्सिस डिफाइन करने पड़ते। तो सपोज यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन से r डिस्टेंस पर एक कार है, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। तो इस कार के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स अगर पता करने हैं, डिस्टेंस पता नहीं है, कोऑर्डिनेट्स इसके कितने हैं? x, y एंड z। x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कितना है? x, y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कितना है? y, और z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कितना है? z। तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर। तो मतलब इस कार के पास पहुंचने के लिए x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? इट्स रिप्रेजेंटेड बाय x कोऑर्डिनेट। इस कार तक पहुंचने के लिए y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, क्लियर। और इस कार तक पहुंचने के लिए z एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड z कोऑर्डिनेट। तो मीनिंग इज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो नीड है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई को डिफाइन करने के लिए वाई पर परपेंडिकुलर डालेंगे और जेड को डिफाइन करने के लिए जेड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तब जाके मिलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक अनादर लेक्चर भी पढ़ा हुआ है हमारा, जब हमने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किया था, वो BSc के लिए है लेक्चर, हालांकि दोनों के अंदर सेम ही चीज। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब है कोऑर्डिनेट, अगर डिफाइन करें तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डेफिनेशन तो रट लो भाई बच्चों, 5 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार देख लो। आराम से आ गया होगा समझ में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हमसे पूछो। देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सबसे इजी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसके अंदर पार्टिकल की स्टडी करना बहुत आसान होता है, जिसमें नॉर्मल एक एक्स एक्सिस मानते हैं, एक वाई मानते हैं, एक जेड मानते हैं, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आप लोगों के तो सिलेबस में है ही कार्टेशियन। तो अब देखो, तो अगर एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजिशन डिफाइन करनी हो, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ओरिजन, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ओरिजन। तो अब देखो यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। देखो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उससे पहले मैं आप लोगों के माइंड में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको बिठाना चाहता हूँ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो क्या कहता है भाई बच्चों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। क्लियर? जैसे ये हमारे पास, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ले दे के हमारे पास ये मार्कर, ये मार्कर है, किस में है ये, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। ये देखो ये रेस्ट में है, तो जब तक अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता हूँ, रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो, तो जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाता हूँ तो ये रेस्ट में ही रहेगा और अगर ये मोशन कर रहा है तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। क्लियर? तो यहाँ पर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ आना चाहिए। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, एक्शनल फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो देखो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग हम देखें टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है या तो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में एक पर्सन खड़ा है, मैं अभी भी यहीं पर खड़ा हूँ, वो भी खड़ा है, एक घंटे बाद भी यहीं पर है, दो घंटे बाद भी पोजीशन सेम है, थ्री हॉर्स बाद भी पोजीशन सेम है, तो दिस इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन जीरो है, अगर सॉरी उसका वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो का मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं हो। तो मीनिंग इज दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है जो जीरो होता है। एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ये भी क्या होता है, जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स होता है ये भी क्या होता है, जीरो होता है।
और न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, स्पेशली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, क्लियर, फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। अब देखो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इनर्शियल को। इनर्शियल आपके अगर ढंग से समझ में आ गया तो नॉन इनर्शियल आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं भाई बच्चों। एग्जांपल है हमारा, ये हमारे पास ये आपकी एक कार है, कार का डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ट्राई करते हैं भाई। ये आपकी एक कार, ठीक, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या है, एक कार है जो v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रही है और v इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन हमने ली, v इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। अगर v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो इस केस में हमें v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो dv अपॉन dt होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ध्यान रखना ये फॉर्मूला अभी अभी लिखा है मैंने, पहली बार पढ़ रहे हो इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स तो, लेकिन फिर भी याद रखना किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल में चेंज होती है तो मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तभी तो वो कम ज़्यादा चलेगा। अरे भाई आप जब बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो एक्सेलेटर देते हो ना, तो जैसे ही एक्सेलेटर दोगे तो भागेगी कार, एक्सेलेटर दिया तो इंजन ने फोर्स लगाया। अगर एक्सेलेटर दोगे ही नहीं, उसको एक जगह कांस्टेंट कर दोगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो तब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मीनिंग इज दैट अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो आएगा, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी तो डी तो वी तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वन सेकेंड पर भी वेलोसिटी वही, वन हावर पर भी वही, टू हावर पर भी वही, थ्री हावर पर भी वही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। किसी ऑब्जेक्ट से कार है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है तो इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो है। अब इसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए पर आ जाओ, तो इस पर अप्लाइड फोर्स भी क्या है, जीरो है। इस पर अप्लाइड फोर्स भी क्या है, जीरो है। अब इस पर अप्लाइड फोर्स भी अगर जीरो है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही तो चलेगी, इसकी वेलोसिटी ना ही कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो, अगर फोर्स लगता तो वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाती। तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होता है, उस पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्शनल फोर्स जीरो होता है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ऑबे करते हों। दीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका एग्जाम्पल, एक डेली रूटीन वाला एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम रोड के साइड में जाकर खड़े हो गए और वेट कर रहे हैं कि बस आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी, बस आने वाली है। बस आई और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपके आगे से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बस आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप रेस्ट में खड़े हो तो आपके रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप रेस्ट में हो।
और उसी स्पीड से आपके आगे से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन भी जीरो है। देखते जाओ बोर्ड के ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर एक्शनल फोर्स भी क्या है, जीरो है। और एक्शनल फोर्स अगर जीरो है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस इज द पैरामीटर्स फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं और वो बस कंबाइंडली जो सिस्टम बना रहे हैं, जो फ्रेम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब नॉन इनर्शियल की बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डज नॉट कांस्टेंट, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो होता है, कांस्टेंट का तो जीरो होता है लेकिन वेरिएबल का तो होता है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फोर्स डज नॉट जीरो। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो बस है वो कभी कम स्पीड से, कभी ज़्यादा स्पीड से, कभी कम स्पीड से, कभी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। भाई बच्चों, इसका मतलब उस पर एक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब बस पे अगर एक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसका वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की क्या कहता है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन यहाँ तो फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इसमें न्यूटन्स लॉ डज नॉट ऑबे स्पेशली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है अप्लाइड, और न्यूटन्स लॉ इसके अंदर ऑबे होते हैं, स्पेशली फर्स्ट लॉ। और ये सारी चीज़ें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉलो नहीं होती है। जस्ट एग्जाम्पल, हम रोड के किनारे खड़े हैं, एक कार आई, कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी 10, कभी 100, तो बार बार उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो मैं और वो कार मिलकर जो सिस्टम फॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों को एक बार 10 से 15 सेकंड के लिए देखिए, फिर हम एक बार और एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा देंगे। देख लो भाई एक बार, देख लो भाई इस तरीके से। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक जनरल डिस्कशन था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस तरीके से हम एक जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो हम इससे कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हम जैसे भी पॉसिबल होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको। ये बस है, ये इधर v वेलोसिटी से जा रही है, एक दूसरी बस है जो इसके साथ सेम वेलोसिटी से जा रही है,
दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो अगर दोनों का वेलोसिटी इक्वल है तो इसमें अगर कोई पर्सन बैठा है और इसमें अगर कोई पर्सन बैठा है तो इन दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा। तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। तो मीनिंग इज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अप्लाइड फोर्स जीरो होगा और न्यूटन्स लॉ फॉलो होगा। तो इस केस में ये दोनों मिलकर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर्म करेंगे। या फिर अगर एक बस चल रही है उसके साइड में दूसरी बस कभी हायर स्पीड से कभी लोअर स्पीड से ऐसे चल रही है तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जहाँ आ गया वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है नेट एक्सटर्नल फोर्स वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक इजी वे में समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करो, मैं फिजिक्स एडवाइजर हंसु शर्मा आपके लिए हमेशा डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ बेहतरीन काइनेमेटिक्स के टॉपिक्स के साथ, और इसी तरीके से पूरे यूनिट को, एंटायर यूनिट को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।